हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू प्रोफेशनल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 2 मार्च और 2 मार्च के इस सेक्शन में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन शामिल किए गए उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आपने अभी फेसबुक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो उसे ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ तरह तरह के अपडेट्स आते रहते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको PDF क्विज, साइंस एंड टेक न्यूज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स न्यूज, लेटेस्ट अपडेट आदि चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए प्रोफेशनल स्टडी सर्च कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अंडमान द्वीप समूह में स्थित स्वराज द्वीप का पुराना नाम क्या था? इसका सही आंसर है हैवलॉक द्वीप। जी हाँ दोस्तों, हैवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप है और प्रधानमंत्री ने 2018 में अंडमान द्वीप समूह में स्थित हैवलॉक द्वीप का नामकरण किया था। और साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित 2 अन्य द्वीपों नील द्वीप को शहीद द्वीप तथा रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया था। और दोस्तों, बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जबकि निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट थोलियर जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। और बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जो निकोबार द्वीप में स्थित है, जबकि नारकोंडम द्वीप सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है जिसमें वर्षों से उद्गार नहीं हुआ है, वो भी निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। और दोस्तों, इसको करंट से रिलेट करते हैं तो हाल ही में स्वराज द्वीप में संयुक्त सेवा सामरिक प्रदर्शन दिखाई गई जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपस्थित थे और यह प्रदर्शन अंडमान निकोबार कमान द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें थल, नभ, वायु के सेनाओं ने सामरिक क्षमताओं को दिखाया था। नेक्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशी लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? इसका सही आंसर है JP Morgan। यह दोस्तों, JP Morgan एक अमेरिकी कंपनी है और दोस्तों अमेरिकी बैंक की ब्लॉकचेन तकनीक के उपयोग करने के लिए SBI ने JP Morgan के साथ एक करार किया है। और दोस्तों, इस करार से SBI ग्राहकों को लेन देन के लागत और भुगतानों में लगने वाले समय को कम करना है। और दोस्तों, JP Morgan के CEO जेमी डीमन है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नेक्स्ट, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है श्री तरुण बजाज। यह दोस्तों, श्री तरुण बजाज को नए वित्त सचिव के रूप में चुना गया है और ये अजय भूषण पांडे की जगह लेंगे। नेक्स्ट, आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए रूस ने कौन सा निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? इसका सही आंसर है Arctic M उपग्रह। यह दोस्तों, Arctic M उपग्रह को रूस ने आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए प्रक्षेपित किया है। और दोस्तों, ये रशिया का मैप है और रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन है तथा इसकी मुद्रा रूसी रूबल है। और दोस्तों, बात करते हैं रूस से संबंधित कुछ फैक्ट्स की, तो हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि जिसे 2010 में शुरू किया गया था रूस तथा अमेरिका के बीच एक परमाणु संधि है और इसे हाल ही में बढ़ाया गया है। और दोस्तों, बात करते हैं केनापुस की, तो ये भी रूस की ही एक उपग्रह है जो अभी वर्तमान में कार्य कर रहा है। और हाल ही में COVID-19 वैक्सीन से संबंधित रूस ने Sputnik V नाम का एक वैक्सीन भी लॉन्च किया था। नेक्स्ट, सुगम में भारत ऐप तथा पुस्तिका एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय। यह दोस्तों, केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय थावर चंद्र गहलोत ने सुगम में भारत ऐप तथा पुस्तिका एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट लॉन्च किया है। और दोस्तों, यह ऐप और पुस्तिका सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, वैश्विक भारतीय चिकित्सा के सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। जहां दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं ने वैश्विक भारतीय चिकित्सा के सम्मेलन को संबोधित किया। और दोस्तों, यह सम्मेलन ग्लोबल एसोसिएशन फॉर फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन के द्वारा आयोजित किया गया था। और दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन ने
28 फरवरी को ही विज्ञान दिवस पर साइंस कम्युनिकेटर और महिला वैज्ञानिकों को पुरस्कार भी प्रदान किया था। और दोस्तों बजट 2021-22 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ में पृथ्वी मंत्रालय के बजट में 30% की बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट, 2 मार्च को मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? इसका सही आंसर है पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। यहाँ दोस्तों पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा 2 मार्च को मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों इस मैरीटाइम इंडिया समिट आयोजन का उद्देश्य भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। और यह 3 दिन तक चलने वाले शिखर सम्मेलन में डेनमार्क इसका साझेदार देश है। और दोस्तों इस आयोजन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने दंड कानून संशोधन को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। यहाँ दोस्तों मध्य प्रदेश ने हाल ही में खाद्य सामग्री से संबंधित दंड कानून संशोधन को मंजूरी दी है। दोस्तों इस विधेयक के तहत राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट वालों को आजीवन कारावास देने के लिए मंजूरी दी गई है। और दोस्तों ये मध्य प्रदेश का मैप है। और हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में ई कचरा क्लिनिक भी शुरू किया गया है। और मध्य प्रदेश ने हाल ही में होशंगाबाद को नर्मदापुरम नाम करने की घोषणा भी की है। नेक्स्ट, हाल ही में किस सफल परीक्षण किए गए मिसाइल VLSRSM को किसने बनाया है? इसका सही आंसर है DRDO। यह दोस्तों DRDO ने VLSRSM का सफल परीक्षण किया है। और दोस्तों DRDO ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और दोस्तों यह मुख्य रूप से भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी तकनीक से डिजाइन और विकसित किया गया है। और बात करते हैं DRDO की, तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट, संत गुरु रविदास किसके समकालीन थे? इसका सही आंसर है कबीर दास। यह दोस्तों संत गुरु रविदास कबीर दास के समकालीन थे। और हाल ही में 27 फरवरी को संत रविदास की जयंती मनाई गई है। और दोस्तों इनका जन्म यूपी के वाराणसी के गोवर्धनपुर गांव में हुआ था और इन्होंने रविदासिया धर्म की स्थापना की थी, साथ ही जाति व्यवस्था के उन्मूलन में काफ़ी योगदान दिया था। और मीराबाई इनकी शिष्या थी, इन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हें सिख धर्म में भी महत्व मिला है। रविदास की लगभग 40 कविताएं सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ में शामिल है। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक तथा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।